और कोटा में पिछले 24 घंटों के अंतराल में दो छात्रों ने आत्महत्या कर ली है, जिससे शहर में हड़कंप मच गया। दोनों कोचिंग छात्र कोटा में नीट की तैयारी कर रहे थे। वहीं एक छात्र के परिजनों के पहुंचने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा दिया है। इसके साथ ही दूसरे छात्र के परिजनों का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। सीआई देवेश भारद्वाज ने बताया कि कोचिंग छात्र मेहुल वैष्णव ने छात्रावास में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। कमरे से छात्र का कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। वहीं देर रात को नीट की तैयारी कर रहे एक और यूपी के निवासी छात्र आदित्य ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को छात्र के कमरे से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार स्वयं को ठहराया है। फिलहाल विज्ञानगर थाना पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। ये तो आ गए हैं, दूसरे के आ गए अभी, पोस्टमार्टम कराएंगे और आगे हम जांच करेंगे। सामने क्या आया है सर, तनाव में था या? अभी इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा तो जाँच कर। ये खाक नहीं होगा सर, जो अभी रात को हुआ था, जो रात को जो हुआ वो शायद बिहार का है। इसलिए कि बच्चा मेरा ऐसा लग नहीं रहा था कि जो कि तनाव पूरा है या फांसी लगा दे। अच्छा, अब प्रशासन का काम है, जो सही लगे वो करे। अगर तनाव रहता तो हमसे हमसे कहता या कुछ चीज का। अच्छा, तनाव क्या बताता कि मेरा मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, ऐसे वैसे और कर रहा था, इतना नंबर आया और बढ़ा कर लाएंगे। कौन सी कोचिंग में करता था? विद्यापीठ PWD वालों।